गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपनी इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर अपना चल रहा था जेंडर, आज हम उसमें आगे की क्लास में पढ़ेंगे रूल नंबर 7। कल हमने रूल नंबर 6 तक पढ़ा था कि कंपाउंड वर्ड के मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाए जाते हैं। आज जो अपना नियम है आगे वो आप लिखिए रूल नंबर 7। देखिए दैट नाउन हैव लास्ट लेटर, दैट नाउन हैव लास्ट लेटर ई, दैट नाउन हैव लास्ट लेटर ई, दे हैव VAWS टू मेक देम फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, थोड़ा सा हमें यहां ध्यान देकर इसको समझने की आवश्यकता है कि नियम क्या कहना है, यानी जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसके फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो हमारा रूल्स जो है वो क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा रूल्स कह रहा है कि दे टर्म्स वे संज्ञाएं जिनका अंतिम अक्षर क्या हो ई, उनका लास्ट लेटर क्या हो ई हो, तो ऐसे वर्ड मीनिंग का फेमिनाइन जेंडर बनाते समय हम उसके आगे क्या जोड़ेंगे, सिर्फ डबल एस। क्यों? क्योंकि ई तो इसमें लास्ट में आ गया, अरे ई एस जोड़कर ज्यादातर फेमिनाइन जेंडर बन रहे थे, तो इसमें अंतिम लेटर जो है वो ई है, तो हम इसके आगे सिर्फ क्या जोड़ेंगे, डबल एस। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखेंगे, जैसे मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, प्रिंस। अब देखिए प्रिंस का होता है राजकुमार, प्रिंस का अंतिम लेटर जो है वो क्या है ई, अंतिम लेटर क्या है इसका ई, लेकिन जब हम प्रिंस से फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो क्या रहेगा, प्रिंसेस, यानी इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, डबल एस। तो मतलब तो इस प्रकार से जिस मीनिंग का अंतिम अक्षर ई हो और उसका अपने को फेमिनाइन जेंडर बनाना हो तो उसके आगे क्या लगाते हैं, डबल एस लगाकर के उसका फेमिनाइन जेंडर जनरेट करते हैं या बनाते हैं। ओके, आगे लिखिए रूल्स नंबर 8। रूल नंबर 8 में देखिए क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी तरह से बदल करके, यानी इनमें उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, वो कंप्लीट वर्ड चेंज होते ही उसका फेमिनाइन जेंडर बनता है। तो आप इसमें लिखिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंटायरली डिफरेंट वर्ड इज यूज्ड, डिफरेंट वर्ड इज यूज्ड टू मेक देम फेमिनाइन जेंडर। यानी कहने का मतलब क्या होता है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझे कि ज्यादातर वर्ड जो होते हैं उनके ऊपर वाले नियमों को छोड़कर, यानी उनमें ऊपर वाला जो जितने भी अपने रूल्स पढ़े हैं कोई रूल लागू नहीं होता, वो वर्ड पूरी तरह से बदल करके उन वर्ड्स को पूरा ही चेंज करके उनका क्या बनाया जाता है, फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। इस लाइन को मैं आप एक तरीके से लिख रहे हैं, स्टार्ट करके आप एक लाइन लिखिए, बाय यूजिंग ए कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड, कंप्लीटली
डिफरेंट वर्ड। यानी कहने का मतलब समझ लो बात को, क्या कहना चाहता है कि दूसरा स्तर कंप्लीटली डिफरेंट, पूरी तरह से दूसरा शब्द लेकर के, यानी ऐसे शब्द जिनका पूरी तरह से बिना किसी यूज के दूसरा वर्ड लेकर के उनका फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग टोटली डिफरेंट वर्ड। कहने का मतलब पूरी तरह से दूसरे शब्द लिखकर के उनका फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। जैसे हम इसमें एग्जांपल्स के माध्यम से पढ़ेंगे कुछ, तो देखिए एग्जांपल में हम कुछ यहां पे लिख रहे हैं, आप उनको लिखिएगा। जैसे पहला अपन लेते हैं मान लीजिए पोक। अब जब हम पोक का जेंडर तैयार करेंगे तो इसमें कोई नियम नहीं लगेगा कि टी डबल एस लगाएंगे, डबल एस लगाएंगे या अकेला एस लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। यानी कोई रूल अपना काम नहीं करेगा। अब पोक है तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा, हे। शब्द पूरी तरह बदल गया, यहां पोक था यहां क्या हो गया, हे। ऐसे ही जैसे देखिए डो, यहां डो का क्या हो जाएगा, ब्रिज। शब्द पूरी तरह चेंज हो गया। ऐसे ही जैसे देखो हॉर्स, हॉर्स का मैंने लिख दिया मेरी, तो शब्द पूरी तरह चेंज हो गया। जबकि कुछ में आपने देखा था ऊपर कुछ ऐसे वर्ड थे जिनमें ऊपर वाले रूल्स फॉलो हो रहे थे, जैसे लोइन, तो लोइन में मैंने क्या ई डब्ल्यू एस लगा करके लोइन से क्या किया, लोइनेस। टाइगर का बनाएगा तो अंतिम वोवल को ड्रॉप करके, वर्ड में जो अंतिम वोवल है उसको ड्रॉप करके उसके आगे ई डब्ल्यू एस लगा करके टाइगर से क्या किया था, टाइगर्स। लेकिन ये शब्द जो है इनमें ऊपर वाला कोई नियम काम नहीं कर रहा है, इनका तो दूसरा वर्ड लिख के ही फेमिनाइन जेंडर तैयार किया जा रहा है। जैसे लिखिए पॉक्स, तो पॉक्स का हो जाएगा विक्सन। ऐसे जैसे अपन ले एक वर्ड गुल, इसमें अपन चाहे तो पॉक्स भी लिख सकते हैं, इसका क्या रहेगा, काऊ। ठीक है, ऐसे जैसे आप लिखिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे हम एक आधे वर्ड ले लेते हैं बॉय, इसका कर देंगे गर्ल। जैसे फादर, तो फादर का हो जाएगा मदर। जैसे मैन, तो मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन। जैसे अंकल, तो अंकल जी क्या हो जाएगा, आंट। जैसे सन, तो सन से क्या रहेगा, डाटर। जैसे मान लीजिए अपने वर्ड लेते हैं किंग, तो किंग से क्या हो जाएगा, क्वीन। जैसे मान लीजिए अपने वर्ड लेते हैं ब्रदर, तो ब्रदर से क्या रहेगा, सिस्टर। ऐसे जैसे मान लीजिए तो हम वर्ड लिखते हैं नेफ्यू, तो नेफ्यू जो हो जाएगा नेस। ठीक है, आप एक बार बोर्ड पर फील हो गया है तो आप बोर्ड का एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोटबुक में राइट कीजिए, मैं बोर्ड एडजस्ट कर लेता हूं। इसमें आगे हम कुछ एग्जांपल्स बोल लिख रहे हैं, जैसे हम यहां लिखेंगे बक, इसका जब जेंडर तैयार करेंगे तो बक्से क्या रहेगा, डोर। ऐसे जैसे देखिए स्टे, इसका हम लिखेंगे हिंड। ठीक है, ऐसे जैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ अपने यहां पे पढ़ रहे हैं, जैसे सर, तो जब सर का फेमिनाइन जेंडर तैयार करेंगे तो क्या रहेगा, मैडम। जब सर से अपने यहां फेमिनाइन जेंडर तैयार करेंगे तो सर का क्या हो जाएगा, मैडम। ऐसे जैसे देखिए ग्रूम, इसका हो जाएगा ब्राइड। ऐसे ही जैसे हीरो, तो हीरो से हो जाएगा हीरोइन। ऐसे जैसे
कुछ और लिख लेते हैं, जेंटलमैन। तो इसका अपन लिखते हैं लेडी। ऐसे जैसे मॉन्क, नन, मॉन्क से अपन लिखते हैं नन। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे मोस्टली ऐसे खूब सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके ज्यादातर फेमिनाइन जेंडर जो है ना वो बिना किसी रूल्स के शब्द को बदल करके ही बनाए जाते हैं। जैसे कुछ एक शब्द अपन और लिख लेते हैं यहाँ पे, विजार्ड का बीच। जैसे विजार्ड से अपन यहाँ पे लेते हैं बीच। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड जैसे ड्रंक, ड्रंक का हो जाएगा डोक, ड्रंक। या जैसे मान लीजिए एक बार अपन लिख लिख लेते हैं एटीसी। जैसे मेल से फीमेल एक लिख लेते हैं, ये लिख देते हैं एटीसी, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं मेनी मोर। तो ये कुछ एक वर्ड मैंने आपको लिखवाए हैं, इनके अपन जो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं वो बिना किसी नियम के ही बनाते हैं। इन शब्दों को क्या करते हैं पूरी तरह से चेंज करके इसका मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स लिखूंगा वो आप अपनी नोट। अब हम यहाँ पे दो एक्सरसाइज लिख रहे हैं, ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ जो आपको घर से करके लगेगी, ठीक है। तो जैसे पहले आपको मैं ए नंबर पे जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं आपको लिखना है फील इन द ब्लैंक्स, फील इन द ब्लैंक्स, फील इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है मैं आप लोगों को एक तरफ लिख के दे रहा हूं जैसे मैस्कुलाइन, ठीक है। ऐसे आपको इसके सामने इसका जो फेमिनाइन है वो कुछ जनरेट करना है, यानी घर से आपको बना के लाना है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं कुछ वर्ड दिखा रहा हूं, जैसे पहला वर्ड है विजार्ड, ठीक है, इसका आपको घर से बना के लाना है। फिर आपको ये इसमें लिखा है इधर आपको बना के लाना है। अब आपको मैं इधर लिखवा रहा हूं और आपको उसका मैस्कुलाइन बना के लाना है, ठीक है, ऐसे। फिर जैसे इधर लिखा रहा हूं शेपर्ड, आपको इसका फेमिनाइन बना के लाना है। एक आपको इधर लिखा रहा हूं फेमिनाइन में लिखा रहा हूं, आपको इसका मैस्कुलाइन बना के लाना है, ठीक है। ऐसे ही चार वर्ड इधर लिखेंगे वही फॉर्मेट रहेगा, ओके। इसमें आपको पहला वर्ड लिखा रहा हूं मैं विडोर, आपको इसका फेमिनाइन बना के लाना है। दूसरे में मैं आपको जेंट, ये इसमें आप एक काम कीजिए हम ये लिख सकते हैं प्रिंस वाला लिख लो पहले, ये आपको बना के लाना है। एक जैसे आपको लिखाना है हस्बैंड, ये आपको बना के लाना है। और एक में मैं आपको लिखा रहा हूं बुलबुल, ये भी आपको बना के लाना। एक एक्सरसाइज तो आपको घर से ही करके लानी है। इधर तो आपको चारों के मैंने मैस्कुलिन लिख दिया है, चारों का फेमिनाइन बना के लाना है, ओके। और इधर जो है कुछ वर्ड मैंने मैस्कुलिन के लिखे हैं उनका फेमिनाइन बनाना है, और कुछ वर्ड फेमिनाइन में लिखे हैं उनका आपको मैस्कुलिन जेंडर लिख के लाना है। और जो आपको ऊपर लिखाए हुए हैं ये उनमें से ही है, तो आपको अच्छे से देख के पढ़ के इनको रीड और अच्छे से लर्न करने के बाद इसको इसमें फिल करना है। दूसरी मैं आपको लिखवा रहा हूं बी नंबर की एक्सरसाइज में, उसमें देखिए चेंज द अंडरलाइन नाउंस, चेंज द अंडरलाइन नाउंस, फ्रॉम मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन जेंडर,
देखिएगा करना क्या है इसमें, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको जो नाउन अंडरलाइन की हुई होगी उस अंडरलाइन की हुई नाउन का आपको मैस्कुलाइन से क्या बनाना है, फेमिनाइन बनाना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं लिख करके, द किंग लव्ड द पीकॉक, ऐसे थर्ड नंबर पे लिखेंगे अवर नेटिव वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली। और एक आपको लिख रहा हूं यहां पर, द वेटर वाज वेरी लेजी। एक आपको लिख रहा हूं, द बॉय इज वेटिंग वर्ड हमने यहाँ पे यानी सेंटेंस लिखे हैं। इन सेंटेंस में जो वर्ड आपको मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं उनके आपको फेमिनाइन लेटर बना के लाने हैं। ध्यान रखना जो जो वर्ड आप लोगों को दिए जा रहे हैं आप उनके क्या करोगे, मैस्कुलाइन लेटर से फेमिनाइन लेटर बना के लाओगे। ओके खुद बनाओगे, यानी ऊपर दिए हुए हैं उनमें से आपको बना के लाना है। ठीक है राइट ओके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए, ये वर्क आप लोगों को करके रखना है। तो आपने जो जेंडर की आज अपनी क्लास थी उसका ये चैप्टर जो अपना है वो लगभग लगभग एंड की ओर यानी एंडिंग हो चुका है ये मान के चलिए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में राइट कीजिए, और साथ ही साथ आपको लर्न करना है। राइट करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इनको लर्न नहीं करोगे तब तक ये मान लो इनको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको राइट करने के साथ साथ लर्न करना जरूरी है। ओके दैट्स ऑल।